हे गाइस व्हाट्सअप, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सब। तो मेरा नाम हिमांशु वर्मा है, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो यार आज है 25 फरवरी 2024, ये आज का दिन है, तो आज का ब्लॉगिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, दरअसल यार मैं पढ़ाई में व्यस्त था। ठीक है, मैं पढ़ाई कर रहा था UPSC का, ठीक है, BEd वाला कर रहा था, और किसका, नीट UG का, ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी में ही बॉटनी और जूलॉजी, ठीक है। तो यार पढ़ाई कर रहे थे तो इसीलिए ब्लॉगिंग नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, सही से, ठीक है, ब्लॉगिंग करने का मन भी नहीं कर रहा था मैंने। ठीक है, मैंने सोचा यार चलो फ्री हैं अभी, ठीक है, पढ़ाई करके थोड़ा, ठीक है, फ्री थे तो हमने कहा चलो मोबाइल उठाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। ठीक है, तो इधर अपना रूम है, ठीक है, तो इधर से निकलते हैं, ठीक है, तो वही अपना पुराना सब कुछ सोफा वोफा है, ठीक है। यार तुम बताना चाह रहे थे, ठीक है, रात का वक्त है, शाम का वक्त है, करीब 7 बज रहे होंगे, 7 या 6:30, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं, इधर अपना सोफा वोफा है, ठीक है, और इधर अपना इधर वॉशिंग मशीन नहीं है, इधर है गेहूँ पीसने वाला मशीन है, ठीक है, गेहूँ, ठीक है, और इधर है वॉशिंग मशीन है, कपड़ा धुलने वाला, ठीक है, लाभ, ठीक है। तो चलो हम लोग इधर से चलते हैं, ठीक है, अपना आंगन है, ठीक है। इधर क्या है, इधर है अपना किचन जिसमें है धनिया है, इधर इधर है अदरक, अदरक, ठीक है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ठीक है, तो बंदर को पकड़ के लिख रहा हो, अदरक का स्वाद चिखा दे, ठीक है। तो इधर मिर्चा है, ठीक है, टमाटर है, मिर्चा है, सब कुछ है, ठीक है, इधर मिर्चा, इधर टमाटर, ठीक है, कच्चा है बट अच्छा है, ठीक है, थोड़ा कच्चा रहता है ना टमाटर, अगर थोड़ा कच्चा ले रहे हैं ना तो कुछ दिनों में पाक जाता है, ठीक है, अगर आप पक्का टमाटर ले रहे हैं तो कुछ दिनों में सड़ जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा, नुकसान होगा आपका, ठीक है। तो इधर मटर भी है, लेकिन देखो मटर बाजार कैसी आ रही, ठीक है, बेकार आ रही, ठीक है, बेकार नहीं है, दरअसल यार खरीद कर रख दिया जाता है ना, तो हवा सब, ठीक है, ना जैसा भी बढ़िया है, ठीक है। तो उधर अपना प्याज हो जाए, प्याज रखा गया है, ठीक है, प्याज रखा गया, हाँ आलू रखा गया इधर, ठीक है, तो इधर से चलो। तो आज हमारे मम्मी पापा गए थे बुआ के यहाँ, ठीक है, मम्मी के बुआ के यहाँ गए थे, ठीक है, तबीयत खराब थी उनके फूफा की, ठीक है, मम्मी के, तो वहाँ पर गए थे, अभी आए थे शाम को, ठीक है, सुबह निकले थे करीब 10 बजे, ठीक है, तो आ गए हैं। तो इधर अपना चावल वावल की बोरी रखी गई है, इधर आलू है, इधर कुर्सी है, कुर्सी पे कपड़ा है, ठीक है, अपना ही, तो इधर अपना बिस्तरा लग गया है, ठीक है, एकदम बढ़िया सा, ठीक, सोने के लिए, पढ़ाई करने के लिए जो भी है, ठीक है, पढ़ाई करने से देख रहे हो आँख एकदम खराब हो रहा है, ठीक है ना, बेकार, ठीक है, बेकार हो रहा है यार, ठीक है, ज़्यादा पढ़ाई वढ़ाई नहीं किया जाता, ठीक है, घूम वूम लेना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग चल रहे हैं, इधर अपना आंगन है, ठीक है, इधर साफ सफाई हो रही है, ठीक है, तो उधर से अपनी बारी गई है, मम्मी ताप रही हैं और बाकी सब हैं, ठीक है। और देखो शाम का वक्त है ना, कुछ दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, आसमान में स्टार हैं, तारे, क्या तुमको तारे नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे होंगे, ठीक है ना। तो हम लोग इधर आ गए हैं, देखो इधर साइड कितना अंधेरा हो गया ना, बढ़िया, तो टाइम नहीं मिलता यार घूमने के लिए भी, ठीक है, अभी थोड़ा टाइम था तो हमने सोचा चलो ब्लॉगिंग कर लेते हैं फिलहाल, और सब बढ़िया यार, ठीक है, तैयारी जम के कर रहे हैं, ठीक है, और क्या बताया, हमको थोड़ा सर्दी जुकाम हो गया है, ठीक है, दरअसल यार है ना सुबह टाइम अगर आप उठते हैं, ठीक है, करीब हम 4-5 बजे, ठीक है, तो क्या होता है ना कि सर्दी और हल्का हल्का ठंडी लगता है, ठीक है, तो जो है स्वेटर नहीं पहने थे, ठीक है, और मच्छर वच्छर बहुत तगड़ा काटते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, ठीक है, दरअसल इसलिए बोलते हैं ना, ठीक है, कि एक समझाने का एक तरीका होता है ना, जैसे कि टीचर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों समझ में आ गया, आगे बढ़े, ठीक है, समझ में आ गया, ठीक है, ठीक है, तो सब कुछ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, बढ़िया है, ठीक है।
तो इधर अपना टाइम टेबल बेस बनाए हैं, ठीक है। तो इधर अपना यूपीएससी है, नीट यूजी है, यूपी बीएड है, और एसएससी सीजीएल का है, पेट का है, ठीक है। पेट का जो आप देते हैं करीब, अगर आपका 12 करीब है, शायद 10 भी हो सकता है, लेकिन 12 अगर आपका फाइनल हो गया, ठीक है। तो जैसे आपने क्लास 12 फाइनल किया है, उसके बाद आप हम पेट का एग्जाम दे सकते हैं सरकारी नौकरी पाने के लिए। ये पेट का एक रहता है ना, इसका लगता है यार सर्टिफिकेट लगता है, अगर आप पेट एग्जाम क्वालिफाई कर गए हैं, ठीक है। तो बहुत सारी वैकेंसियां आ रही हैं जिसमें पेट लग रहा है, पेट का सर्टिफिकेट, तो आप दे दीजिएगा। और ये पीजीटी है, पीजीटी यानी पोस्ट ग्रेजुएशन टेस्ट होता है, ठीक है। ये टीचिंग लाइन है वही, और डेट जीआरएफ का क्रैक कर चुके हैं, लेकिन फिर भी देखो सोच रहे हैं यार एक बार और देना बढ़िया रहेगा, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन का एनालिसिस थोड़ा बेटर पड़ जाएगा, और क्या है नेट जीआरएफ तो क्लियर हो गया है ना, लेकिन एडमिशन का प्रोसेसर ही नहीं हो रहा है। करीब मार्च अप्रैल में होगा, तो मार्च अप्रैल में एडमिशन लेंगे। देखो बीएचयू लेते हैं या फिर जेएनयू, लेकिन कट ऑफ थोड़ा हाइयर गया है ना, शायद हाइयर जाएगा, तो इसीलिए थोड़ा सा डर लगता है ना कट ऑफ। देखो जैसा भी होगा पीएचडी तो करना है ना, एमएससी के बाद। और इधर है यूपी पीसीएस का है ना, स्टेट पीसीएस जो आप देते हैं कलेक्टर के बाद जो पद रहता है, डीएम के बाद जो रहता है एसडीएम, ठीक है। तो एसडीएम सही है ना, बढ़िया है। एसएससी सीजीएल का भी जो रहते हैं बहुत बढ़िया रहता है, ठीक है। तो इसमें जो रहते हैं कौन रहता है एसएससी सीजीएल में, कौन लोग रहते हैं, अधिकारी लेवल पे होता है जनरली, ठीक है, सामान्यता सब इंस्पेक्टर वाला पद होता है शायद ना, बढ़िया। तो इधर अपना बुक वो कैसे ही फेंका गया, मतलब फेंका गया क्या, ऐसे पढ़ कर यहीं रख दिए, उधर रखें उधर रखें, एक एक बुक उठाया कर रहे थे, एक एक पढ़ रहे थे, है ना। मेरा कमरा साफ करना है मेरे को, बट होली से पहले, करीब कल परसों तक साफ कर देंगे कमरा अपना बढ़िया से एकदम, ठीक। और बल्ब चेंज करा देंगे वाला जो बिगड़ा है ना, थोड़ा अच्छा रहेगा। तो मिलते हैं यार ब्लॉगिंग में, ठीक है, नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, मेरे को पढ़ाई भी तो करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं, टाटा बाय बाय, पढ़ाई करते रहो, सरकारी नौकरी पा जाओ बढ़िया रहेगा। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिला प्राइवेट ही कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तैयारी करते रहो, नॉलेज इज एवरीथिंग, ठीक है। क्या होता है नॉलेज, व्हाट इज नॉलेज, नॉलेज इज एनी थिंग दैट इज मेक्स ह्यूमन परफेक्ट इन एवरी टाइम। अरे नहीं क्या बोला था उसने, कहा था ठीक है, उसने कहा था नॉलेज इज नॉलेज, ज्ञान क्या है, नॉलेज इज नॉलेज तो सब कुछ है ना, नॉलेज जो आप जानकारी जो रहता है वही नॉलेज, उसका रहता है एजुकेशन, एजुकेशन का वो बताता डिफिनेशन। नॉलेज है आप किसी के बारे में जान रहे हैं या जानकारी जुटा रहे हैं किसी के, तो वही नॉलेज होता है ना, जिसके बारे में आप डिटेल्स में आपको पता रहता है, ठीक है, आप जानते रहते हैं ना, वही नॉलेज होता है ना। नॉलेज का डिफिनीशन तो मेरे को नहीं लगता कोई दे पाएगा जल्दी, फिर भी गूगल पर रहता है नॉलेज का डिफिनीशन, देख लेना यार, ठीक है। यार घड़ी का ये बनवाना है सेल ना, कई दिनों से बिगड़ा है घड़ी, करीब 3-4-5 महीना से, और वो देखो नलका, भी सही नहीं हुआ है ना। रे चलो होगा, धीरे धीरे होगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉगिंग में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें, आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते रहें, ठीक है। और कंपटीशन देखो कितना तगड़ा बढ़ गया है यार, ठीक है। मतलब यार देख लो, लाखों करोड़ों बच्चे देते हैं सिलेक्शन, हजार
हजारों का होता है, ठीक है। चाहे नीट का हुआ, नीट में करीब अगर देंगे 20 लाख बच्चे देंगे तो करीब 20 हजार लोगों का सिलेक्शन होगा, बाकी सब बच्चे पता नहीं क्या करेंगे, ठीक है। वैसे नीट में बैठने वाले लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, और यूपीएससी में भी बहुत ज़्यादा रहते हैं, करीब करोड़ों बच्चे बैठते हैं, 80 लाख, 60 लाख, 50 लाख ऐसे बैठते हैं हर एक कंपटीशन एग्जाम में, जैसे सीजीएल में, ठीक है। तो जितने भी एग्जाम हैं देते रहो यार, तुमको ये मत सोच कर बैठो यार कि तुम करोड़ों बच्चे तैयारी कर रहे हैं, मेरा होगा या नहीं होगा, तुमको अपने सीट से मतलब है, ठीक है, तुमको अपने जगह से मतलब है। तुमको बस यही करना है कि जितने भी क्वेश्चन आते हैं पेपर में अच्छे से सॉल्व करना, बाकी सब सीट की चिंता, कॉलेज मिलने की चिंता, होगा कि नहीं होगा सिलेक्शन, इन सब की चिंता ऊपर वाले पे छोड़ दो। कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। टाटा, बाय बाय, सी यू, फिर मिलते हैं।